जैसे उद्योगों को होने वाले नुकसान पर मंत्री कवासी लखमा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जगह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बेलाढीला जैसी बड़ी खदानें हैं। केंद्र सरकार के अजीब गाइडलाइन की वजह से उद्योगों को नुकसान हो रहा है। शुरुआत में लॉकडाउन करने की जगह केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थी। ये भारत सरकार के गाइडलाइन के उल्टा पुल्टा के गाइडलाइन कारण ये जो लॉकडाउन करते समय भारत सरकार ने पहले गंभीरता से नहीं लिया, मध्य प्रदेश सरकार गिराने में लोग व्यस्त थे, तो जल्दीबाजी 22 तारीख को जो लॉकडाउन किया है, तो इसलिए उद्योगपति चाहे छोटा उद्योग हो बड़ा उद्योग हो चाहे जो लेबर है हर प्रांत के लेबर दूसरा प्रांत में जाके काम करता है उनको पहले जब सरकार बदलने पहले उनको पहले अपने प्रदेश में लाना था। अभी शांति होने के बाद थोड़ा कम होने के बाद अभी लेबर को वापस लाने का जो बात कर रहे हैं अब इसमें भी शंका है। ये भारत शराब दुकानों को खोले जाने के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि अभी 2 दिन का समय बचा है। हमारी सरकार ने 3 तारीख तक शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी लोगों से राय ली जाएगी कि किस प्रकार शराब की दुकानें खोली जाएं, उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। जनता से बहुत मांग आ रहा है, आम आदमी से, आम जनता से तराई मचा हुआ है कि इधर जल्दी खोलो, लेकिन हमारा सरकार हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोग जनता का पहले ही देखा, आम आदमी का हित को देखा है, हम लोग इसको परवाह किया बिना लगातार दारू दुकान बंद किया है। अभी भारत सरकार का गाइडलाइन आया, छत्तीसगढ़ सरकार इसको गंभीरता से लेंगे, हम जल्दी खोलने का फिर खबर रायपुर से।